हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के IRCTC क्रेडिट कार्ड के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का IRCTC क्रेडिट कार्ड यूनिक फीचर्स के साथ आता है और ये है रुपे प्लेटफॉर्म पर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये जो कार्ड लॉन्च किया है ये एक को ब्रांडेड कार्ड है और IRCTC के ब्रांडिंग के साथ आता है। कुछ इस तरह से उसका लुक है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसके फ़ीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं अगर हम बात करें तो। दोस्तों इसके अंदर अगर हमें फ़ीचर्स की बात करूं तो ये अप टू 40 रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को अगर आप IRCTC पर इस कार्ड को यूज़ करते हैं। तो इसका रिवार्ड पॉइंट्स किस तरह से काम करता है और किन किन साइट्स पर क्या क्या रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस वीडियो में ऐसे इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों इस कार्ड के अंदर आपको मिलते हैं 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर आप IRCTC की ऐप पर या वेबसाइट पर अपने कार्ड को लिंक करके इसकी कार्ड आईडी होती है जो इस कार्ड के साथ आपको मिलती है उसको अपने IRCTC अकाउंट्स का लिंक करना होता है। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी डिटेल्स बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड में सेव्ड है जैसे कि आपका नेम की जो स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग उस IRCTC अकाउंट में भी होनी चाहिए और वही डेट ऑफ बर्थ वही मोबाइल नंबर वही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर एक भी डिटेल आपने इधर से उधर कर दी तो वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा उसका। और जब IRCTC में आपको डिटेल डाल देते हैं फिर उसे एडिट करने के लिए लगते हैं आपके कम से कम एक महीने का वक्त। इसलिए केयरफुली अपना अकाउंट IRCTC पर बनाएं और अगर आपका किसी अकाउंट में डिटेल्स मैच नहीं हो रही तो आप इस तरह का कोई दूसरा अकाउंट बनाएं जिसमें आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ नेम सब कुछ मैच होना चाहिए तभी आईडी रजिस्टर होती है। बाकी इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स अप टू मिलते हैं IRCTC पर यूज़ करने पर और अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पर इस कार्ड को यूज़ करते हैं आप तो मिलते हैं 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ग्रोसरी पर भी मिलते हैं 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ऑल अदर कैटेगरीज पर मिलते हैं आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स और 2 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर। और कार्ड के इश्यूएंस के बाद अगर इससे आप एक बार में 1000 रुपये का स्पेंड कर लेते हैं तो आपको 1000 पॉइंट्स बोनस पॉइंट के तौर पर मिल जाते हैं। इस कार्ड की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये कार्ड आपको IRCTC की लाउंज जो होती हैं जिसके अंदर आप जाके आराम कर सकते हैं और चाय कॉफ़ी वगैरह वहाँ पर आपको उसके साथ फ्री मिलता है तो वो एक्सेस आपको इस कार्ड पर 4 times in a quarter फ्री मिलता है। यानी एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने उन 3 महीनों के अंदर आप इस कार्ड से 4 बार एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लाउंज को। ठीक है तो एक क्वार्टर में 4 बार काफ़ी ज़्यादा है और इतनी बार तो ज़्यादातर लोग सफ़र करते भी नहीं हैं। आप आराम से AC लाउंज में बैठ करके पूरी तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक इसका बहुत अच्छा फीचर है। जो SBI का IRCTC कार्ड है उसमें 1 time ये एक्सेस मिलता है बट इसमें ज़्यादा मिलता है तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा फीचर है। और रुपे प्लेटफॉर्म पर है तो अगर रुपे के कोई ऑफर्स आ रहे हैं जो रुपे क्रेडिट कार्ड्स के लिए तो वो भी इस पर एप्लीकेबल होंगे। और अगर कोई इस तरह का ऑफ़र कंबाइंड हो जाए जिसमें बड़ौदा का ऑफ़र भी चल रहा हो और रुपे का ऑफ़र भी चल रहा हो तो डबल ऑफ़र इस पर कार्ड पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ फ़ीचर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के IRCTC क्रेडिट कार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।